हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने टिकट में जर्नी डेट को कैसे चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, 90% लोगों को यह पता नहीं होता है कि रेलवे टिकट का डेट भी चेंज होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का कोई भी ट्रेन में अगर रिजर्वेशन है, वो चाहे कोई भी क्लास का क्यों ना हो, सबका डेट चेंज हो सकता है। अगर कोई बंदे का टिकट 25 मई का है, किसी कारण वो उस डेट पर नहीं जाना चाहता है, वो नेक्स्ट मंथ जाना चाहता है या 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बाद जाना चाहता है, तो वो बिल्कुल जा सकता है। तो वो अपना टिकट रेलवे काउंटर पर जाकर अपना जर्नी डेट एक्सटेंड करवा सकता है। फिलहाल ये सिस्टम आई मीन्स रेलवे काउंटर टिकट पर ही लागू होता है, ऑनलाइन ई टिकट्स पर नहीं। आने वाले समय में शायद ऑनलाइन भी कर दी जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कंफर्म टिकट कैंसिल करवाकर फिर से अपना रीबुकिंग करवाते हैं, क्योंकि उन लोगों को डेट एक्सटेंड करवाने वाला सिस्टम पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि टिकट में डेट एक्सटेंड करवाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, तो चलिए उसके बारे में आप सभी को बता देता हूँ। पहला, आपका ट्रेन निकलने से 48 घंटा पहले आप अपना टिकट का डेट एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर वही आप 48 घंटा बाद डेट चेंज करवाने जाएंगे तो वो नहीं होगा। दूसरा, आपका टिकट का डेट चेंज सिर्फ एक बार ही हो सकता है, आप बार बार डेट एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ वन टाइम के लिए होता है। तीसरा, अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट है या RAC है, तो फिर भी आप अपना टिकट का डेट एक्सटेंड करवा सकते हैं और कंफर्म सीट भी ले सकते हैं। चौथा, अगर आप अपना बुकिंग क्लास चेंज करवाना चाहते हैं, जैसे कि आपका बुकिंग स्लीपर क्लास में है, आप 3rd AC में सफ़र करना चाहते हैं, या आपका टिकट 3rd AC में है, आप स्लीपर क्लास में सफ़र करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, अपना डेट एक्सटेंड करवाकर या अपना क्लास एक्सटेंड करवाकर। तो आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप कि आप सभी को हमारा यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा अगला हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुँच सके।